विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। समसामयिक घटनाक्रम कर रहे हैं हम लोग, उसमें सबसे पहले देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जो जवान हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2024 के बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, ये बता दूं आपको कि युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है। कौन सा होता है? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र होता है, महावीर चक्र के बाद वीर चक्र होता है। ठीक है, तो युद्ध का समय नहीं चल रहा है, शांति का समय है इस समय। तो जब युद्ध होता है तो मैंने कहा तीन बड़े पुरस्कार जो होते हैं उनका सही क्रम क्या है, परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पर महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर वीर चक्र। तो जब भी आपको ऐसे लोग दिखें, सेना के और अर्धसैनिक बलों के या सशस्त्र बलों के जो लोग दिखते हैं, तो आपने उनका सम्मान करना है। कौन कौन? परमवीर चक्र विजेता, नंबर दो पे महावीर चक्र विजेता, नंबर तीन पे वीर चक्र विजेता। ठीक है, शांति काल चल रहा है तो शांति काल में वीरता के लिए भारत में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। क्या है? तो आपने ये याद करना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन बनता है कि शांति काल में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है। आंसर अशोक चक्र होता है। ठीक है, युद्ध में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र के तुल्य है, लगभग उतना ही माना जाता है। बस अंतर इतना होता है कि युद्ध काल में परमवीर चक्र, शांति काल में अशोक चक्र। इतना समझ में आ गया? शांति काल में वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो आपने दो लिस्ट बनानी है। पहले वाले में युद्ध काल में आपने बोलना परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और शांति काल में आपने बोलना है अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और कीर्ति चक्र के बाद शौर्य चक्र। तो इन तीन तीन की आपने क्या करनी है, दो अलग अलग लिस्ट बनानी है, उनका सही क्रम याद करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, सेना व अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों जवानों के लिए बहादुरी पुरस्कारों व अन्य सैन्य अलंकरणों की सूची 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन से एक विज्ञप्ति में जारी की गई। नोटिफिकेशन बोलते हैं विज्ञप्ति को। ठीक है, जिसमें 6 कीर्ति चक्र दिए गए और 16 शौर्य चक्र दिए गए। क्या दिए गए? 6 कीर्ति चक्र दिए गए और 16 शौर्य चक्र दिए गए। इतना समझ में आ गया? ठीक, यानी अशोक चक्र नहीं मिला है इस बार, घोषणा नहीं हुई अशोक चक्र की, सिर्फ कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए गए हैं। तो कीर्ति चक्र जिन लोगों को प्राप्त हुए हैं उनमें से तीन मरणोपरांत, तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, यानी इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए उसके बाद इन्हें कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ। और शौर्य चक्र में दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो कीर्ति चक्र में याद कीजिए सबसे पहले, उनको याद कीजिए जिन्हें मरणोपरांत मिला, जिन्हें मरणोपरांत मिला। उसमें कैप्टन अंशुमन सिंह है मरणोपरांत, 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट। कैप्टन अंशुमन सिंह मरणोपरांत 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट। नंबर दो पे पढ़ना है आपने हवलदार अब्दुल माजिद मरणोपरांत 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट, 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट। नंबर तीन पे पढ़ना है आपने सिपाही पवन कुमार मरणोपरांत 55वीं बटालियन राष्ट्र राइफल, 55वीं बटालियन राष्ट्र राइफल। ये तीन लोग वो लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। अब हमने तीन लोग ऐसे पढ़ने हैं जिन्हें जो जीवित हैं और जीवित रहते हुए जिन्हें क्या मिला है, कीर्ति चक्र मिला है। उसमें पहला नाम आता है मेजर दिग्विजय सिंह रावत, मेजर दिग्विजय सिंह रावत 21वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट। नंबर दो पे आपने पढ़ना है मेजर दीपेंद्र विक्रम 4थी बटालियन सिख रेजिमेंट। और नंबर तीन पे आपने पढ़ना है हवलदार पवन यादव 21वीं बटालियन महार रेजिमेंट। क्लियर हो गया? तो ये मैंने कहा कीर्ति चक्र में भी दो लिस्ट बनाइए, मरणोपरांत की लिस्ट अलग बनाइए जिन्हें मरणोपरांत मिला है, और जो जीवित हैं उनका अलग बनाना है। तो क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद शौर्य चक्र की लिस्ट पढ़नी है। शौर्य चक्र में मैंने कहा दो लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है शौर्य चक्र। ठीक, तो शौर्य चक्र में वो दो लोग कौन है, पहले उन्हीं के नाम पढ़ने हैं आपने। कैप्टन MV प्रांजल मरणोपरांत 63वीं बटालियन राष्ट्र राइफल, कैप्टन MV प्रांजल मरणोपरांत 63वीं बटालियन राष्ट्र राइफल।
और दूसरे नंबर पे आपने पढ़ना राइफलमैन आलोक राव मरणोपरांत 18वीं असम राइफल्स। क्लियर हो गया? तो मैंने कहा सौर्य चक्र टोटल 16 लोगों को मिला है, सभी के नाम पढ़ूंगा मैं, लेकिन आपके परीक्षाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो दो लोग जिन्हें मरणोपरांत मिला है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ऊपर कीर्ति चक्र जिन्हें मरणोपरांत मिला है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, और वहां से जीवित वाले भी दोनों याद करने हैं आपने, ठीक है। अब इसके बाद दो के बाद 14 लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं जिन्हें सौर्य चक्र प्राप्त हुआ है, उनके नाम पढ़ रहा हूं मैं। मेजर मानेओ फ्रांसिस 21वीं बटालियन पैरासूट रेजिमेंट, मेजर मानेओ फ्रांसिस 21वीं बटालियन पैरासूट रेजिमेंट। दूसरे नंबर पे मेजर अमनदीप जाखड़ 4थी बटालियन सिख रेजिमेंट, कैप्टन अक्षत उपाध्याय 20वीं बटालियन जाट रेजिमेंट, नायब सूबेदार बैरिया संजय कुमार 21वीं बटालियन महार रेजिमेंट, हवलदार संजय कुमार 9 असम राइफल्स, पुरुषोत्तम कुमार सिविलियन 63वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल, 63वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल, लेफ्टिनेंट बिमल रंजन इंडियन नेवी, विंग कमांडर शैलेश सिंह भारतीय वायुसेना, मुझे लगता है नाम याद हो गया होगा आपको, विंग कमांडर शैलेश सिंह भारतीय वायुसेना, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिकेश जयन भारतीय वायुसेना, लगता है मुझे कि ऋषिकेश भी याद हो गया होगा, और जिस प्रकार से ऋषिकेश लिखा जाता है तो हॉ के नीचे ऋ की मात्रा लगती है, ठीक है। ऋषिकेश जैन भारतीय वायुसेना, विभोर कुमार 205 कोबरा, डीएसपी मोहनलाल जम्मू कश्मीर पुलिस, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहनलाल जम्मू कश्मीर पुलिस, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमित रैना जम्मू कश्मीर पुलिस, एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर फरोज अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस, कांस्टेबल वरुण सिंह जम्मू कश्मीर पुलिस। तो ये नामों की लिस्ट आपने क्या करना है, 4-5 बार सुननी है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। ज्यादा संभावना जो होगी वो मरणोपरांत पूछा जाता है कि मरणोपरांत कीर्ति चक्र किन्हें प्राप्त हुआ है, मरणोपरांत शौर्य चक्र किन्हें प्राप्त हुआ है, ये जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति होगी वहां पर पूछेगा निम्नलिखित में से किन्हें कीर्ति चक्र प्राप्त नहीं हुआ है, 4 ऑप्शन दे देगा, कैप्टन अंशुमन सिंह, हवलदार अब्दुल माजिद, सिपाही पवन कुमार, और 4th ऑप्शन में हो सकता है कि वो ये दे दे कैप्टन एमबी प्रांजल। तो आपको पता है कि कैप्टन एमबी प्रांजल जी को शौर्य चक्र मिला है मरणोपरांत, ठीक है। तो वो 2-3 नाम ऊपर कीर्ति चक्र के अलग याद करने हैं, शौर्य चक्र के 2 नाम अलग याद करने हैं, बाकी मैंने कहा 16 नाम है, ठीक है, ये लोग देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, इनके नाम याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं कि भारत रत्न किन किन को प्राप्त हुआ है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर, क्वेश्चन इतना भी पूछ सकता है कि कर्पूरी ठाकुर क्या किस क्षेत्र से थे, तो आंसर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इतना समझ में आ गया? श्री कर्पूरी ठाकुर को देश का यह सम्मान उन्हें मरणोपरांत प्रदान करने की अधिसूचना उनकी 100वीं जयंती में एक दिन पूर्व 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन से जारी की गई, जबकि श्री आडवाणी जी को यह सम्मान प्रदान करने की अधिसूचना 3 फरवरी 2024 को जारी की गई। 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात देश का यह सर्वोच्च सम्मान किसी को प्रदान किया गया है। 5 साल हो गए थे, 5 साल से किसी भी कंपटीशन में आप देख रहे होंगे कि भारत रत्न के बारे में नहीं पूछा जा रहा था, ठीक है, 5 साल के अंतराल के पश्चात देश का यह सर्वोच्च सम्मान इन 2 लोगों को मिल रहा है, भारत रत्न नंबर 1 श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। क्लियर हो गया? इससे पहले अगर मैं बोलूं तो नानाजी देशमुख भूपेन हजारिका दोनों को मरणोपरांत तथा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान जनवरी 2019 में प्रदान किया गया था, ठीक है। नानाजी देशमुख भूपेन हजारिका, शायद भूपेन हजारिका से आप लोग परिचित नहीं होंगे, यूट्यूब पे जाना कभी और एक गाना सुनना इनका,
दिल हुम हुम करे। रुदाली एक पिक्चर है, हालांकि उसमें लता दीदी ने भी गाना गाया है, लेकिन जो मेन उसकी जो गाने वाले हैं वो भूपेन हजारिका है। कौन है? या फिर ऊंचे नीचे रास्तों पे डोला लिए जाते हैं, राजा महाराजाओं का डोला। ऊंचे नीचे रास्तों में डोला लिए जाते हैं, राजा महाराजाओं का डोला। नॉर्थ ईस्ट के हैं भूपेन हजारिका, थे मतलब मरणोपरांत मिला था इन्हें। तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका दोनों को मरणोपरांत मिला था, तथा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सम्मान जनवरी 2019 में प्रदान किया गया था। जननायक के रूप में प्रसिद्ध श्री कर्पूरी ठाकुर। श्री कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता था भाई? जननायक, जनों के नायक, जननायक। दो बार, एक बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक, और बाद में दिसंबर 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बाकी लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में आप परिचित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में 2002 से 2004 के दौरान उप प्रधानमंत्री रहे, और रथ यात्रा जो निकाली थी वो आडवाणी जी ने ही निकाली थी, मोदी जी उनके सहयोगी थे उस समय। जो आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उस समय क्या थे? आडवाणी जी के सहयोगी थे, ठीक है। आडवाणी जी उनके गुरु हैं, इनके मोदी जी के। चलो, राजनीतिक गुरु होते हैं ना, ठीक है भाई। तो श्री कर्पूरी ठाकुर तथा श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये सम्मान पाने वाले 49वें और 50वें व्यक्ति हैं। तो आपने बोलना है 49वें और 50वें व्यक्ति भारत रत्न पाने वाले कौन है? आपने बोलना है क्या? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर, और पूर्व उप प्रधानमंत्री, उप लगाना है आपने, उप प्रधानमंत्री, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थे, उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। क्लियर हो गया? थोड़ा सा मैं और बता दूं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। एक साधारण नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर 1940 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही आचार्य नरेंद्र देव के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। आचार्य नरेंद्र देव, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, अच्छे से जानते हैं, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, है ना, ठीक है, कूद पड़े थे। बाद में बिहार की राजनीति में समाजवादी ताकत बनकर उभरे कर्पूरी ठाकुर। प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, गैर कांग्रेसी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बिहार की, उसमें उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मंडल आंदोलन से भी पहले पिछड़ों को 26% आरक्षण उन्होंने प्रदान किया था। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन मैंने कल बताई थी आपको, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में प्रधानमंत्री थे, उस समय हुई थी, हुई थी। लेकिन मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन से पहले ही ये पिछड़ों को 26% आरक्षण इन्होंने दे दिया था बिहार में, जो कि पहली बार बिहार में ही लागू किया गया था। कहां पर किया गया था? बिहार में। मुख्य धारा से जो अलग लोग थे, पिछड़े हुए थे, उनको क्या 26% का आरक्षण दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व देश के 7वें प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी, 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री, है ना, 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी। जन्म 8 नवंबर 1927 कराची। कहां पर हुआ था इनका जन्म? अगर मैं ग्रुप सी का क्वेश्चन बनाता तो मैं यहां से बनाता। कहां से? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उनका जन्म कहां हुआ था? कराची, पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के पश्चात मुंबई बस गए थे। आडवाणी जी ने बंबई विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। आडवाणी जी 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए।
जनसंघ से ही बीजेपी का जन्म हुआ है, ठीक है। जनसंघ में शामिल हुए 1973-77 के दौरान, इसके अध्यक्ष रहे, जनसंघ के अध्यक्ष रहे। जनसंघ में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे और 1986 से 1991 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष में रहे। कब से? 86 से लेके और 91 के दौरान 5 बार लोकसभा, 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहते हुए मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकारों में वरिष्ठ मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में 2 वर्ष तक उप प्रधानमंत्री रहे। श्री आडवाणी जी की राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकालते हुए बिहार में वे गिरफ्तार भी किए गए। वर्ष 2015 में वह पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है, इन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जी को, अब जाके भारत रत्न मिला है। यूपीएससी तो फिर अद्भुत प्रश्न पूछती है, और जब आपने जन्म नहीं लिया था तभी पूछ लिया था उन्होंने कि भारत रत्न में जो भारत रत्न दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है। आंसर, एक पीपल का पत्ता होता है, उस पर लिखा होता है भारत रत्न। ध्यान से देखें, उसके ऊपर एक चक्र बना होगा, ठीक है, भारत रत्न। तो पीपल के पत्ते पर लिखा होता है क्या? तो पीपल का पत्ता पेड़ का नहीं होता है, किसी धातु का बना होता है। किसका? हाँ जी, धातु भी देख लीजिए। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन क्या करती है, पूछती है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। भारत रत्न, पीपल का पत्ता दिख रहा है, भारत रत्न लिखा है। अब और क्या क्या क्वेश्चन पूछे? हाँ जी, उसमें ये देखिए ना कि किस किस धातु का बना है वो। हाँ जी, शुद्ध तांबे का, चेक कर लीजिएगा एक बार किस धातु का बना होता है पीपल का पत्ता, उसमें भारत रत्न लिखा होता है, ठीक है। फिर पूछा कि भाई शुद्ध तांबे का, कॉपर का, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बता देता हूं कि पूछा उन्होंने कि पहली बार भारत रत्न कब शुरू किया गया, भारत पद्म अलंकरण बोलते हैं इनको। एक बार तो ये भी पूछा कि पद्म अलंकरणों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले भाई भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है। क्या होता है? इन जो मिलता है इसमें, उन सबको ढंग से देख लीजिए। भारत रत्न में जैसे मैंने कहा पीपल का पत्ता होता है, उसमें भारत रत्न लिखा होता है, ऊपर एक चक्र बना होता है, ठीक है, सूर्य जैसा बना होता है, सूर्य है ना, सूर्य की आकृति होती है। ऐसे ही आपने देखना है कि पद्म विभूषण में क्या होता है, पद्म भूषण में क्या होता है, पद्म श्री में क्या होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार ये पद्म अलंकरण दिए जाने की प्रथा कहां से प्रारंभ हुई। आंसर, 1954 में हुई। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न, ये पद्म अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो 3 लोग कौन थे? नंबर 1 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनको मिला। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपने सुना होगा, इनका उपनाम जो है वो राजा जी है। क्या नाम है? राजा जी। इन्हीं के नाम पर राजा जी नेशनल पार्क भी है, इनके नाम पर। और ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन अगर पूछ लिया कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, भारतीय मतलब जो भारत का रहने वाला है, रहने वाले हैं, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तब आपने बोलना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। दूसरा जो मिला था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। एक साथ मिला 3 लोगों को, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पहले उपराष्ट्रपति हैं, सब जानते हैं। और शायद ये भी जानते हैं आपकी 5 सितंबर इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्र का जो शिक्षक दिवस होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे यानी इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ में ये भी बताया था मैंने कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कुछ पुस्तकें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो पुस्तक बताई थी मैंने, फिलॉसफी भी बताई होगी, बताओ। दर्शन पे लिखा है ना इन्होंने, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। साथ में ये भी बताया होगा मैंने कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन
जब क्या हुआ कि शिक्षा पर आजादी के बाद जो पहला कमीशन बना वो राधा कृष्ण कमीशन था, इन्हीं की रिकमेंडेशन पर 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गई थी। ठीक है, तो मैंने इनकी पुस्तक पूछी है आपसे, सर्वपल्ली इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है, आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। तीसरे नंबर पे जो थे वो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन थे, जो कि आपके वैज्ञानिक थे, है ना, चंद्रशेखर वेंकटरमन, सीवी रमन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो तीन लोगों को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। इन तीन लोगों के बाद वो दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो भगवान दास जी को मिला था, उसके बाद मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को मिला था, छठे नंबर पर जेल नेहरू को मिला था। किसको? नेहरू परिवार में जवाहरलाल नेहरू छठे नंबर पे आते हैं, उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी जी 15वें नंबर पे आती हैं और राजीव गांधी जी 24वें नंबर पे आते हैं। कौन से नंबर पे आते हैं? यानी तीन, नेहरू परिवार में तीन लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जवाहरलाल नेहरू छठे नंबर पे, इंदिरा गांधी 15वें नंबर पर, राजीव गांधी 24वें नंबर पर। इतना समझ में आ गया, क्लियर? अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, भाई लिस्ट तो सभी पढ़ते हैं पर उसमें से निकालना क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ, आंसर लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी जी से पहले भारत रत्न किसको मिला था 14वें नंबर पर? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था और मरणोपरांत मिला था। किसको? शास्त्री जी को मरणोपरांत मिला था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे जो मरणोपरांत मिला वो कुमार स्वामी कामराज को मिला 17वें नंबर पर। मतलब 17वां नंबर जो मैं बोल रहा हूं वो व्यक्ति के नाम पर बोल रहा हूं, ठीक है? जितने भी मैंने नंबर बोले, जैसे छठे नंबर पे मैंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू, तो ये छठे व्यक्ति हैं, छठा नंबर मतलब छठे नंबर के व्यक्ति जिन्हें मिला, क्योंकि देखो तीन बार तीन लोगों को एक साथ मिल गया, तीन लोगों को एक साथ मिल गया। तो जेल नेहरू को जो मिला वो 1955 में मिला, कब मिला? 1955 में भी तीन लोगों को एक साथ मिला था, एक थे भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास, एक थे डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, एक थे जवाहरलाल नेहरू। मैंने कहा कि 1954 में तीन लोगों को मिला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। 1955 में भी तीन लोगों को मिला, जो कौन थे? डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। व्यक्ति के रूप में इनका नंबर 6 है, व्यक्ति के रूप में लाल इंदिरा गांधी जी का नंबर 15वां है, व्यक्ति के रूप में राजीव गांधी जी का नंबर जो है वो 24वां है। मैं साथ में ये भी बता देता हूं कि इंदिरा गांधी जी को 1971 में मिला, कब मिला? 1971 में। राजीव गांधी जी को 1991 में मिला मरणोपरांत। क्या जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी को जीवित रहते हुए मिला, लेकिन राजीव गांधी जी को मरणोपरांत मिला। इतना समझ में आ गया। और कब मिला? 1991 में। मैंने बताया था आपको कि कैंपेन में गए हुए थे, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट, है ना, नलिनी करके नाम बताया था मैंने, एक महिला थी वो भी पकड़ी गई थी उसमें, लेकिन एक और महिला थी जो जिसने अपने पे क्या कर रखे थे, बॉम्ब बांध रखे थे, तो राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी वहां पर। क्लियर हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी पहले व्यक्ति है जिन्हें मरणोपरांत मिला, इन्हें 1966 में मिला। कब मिला? क्योंकि 66 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ताशकंद समझौता बताया था मैंने अयूब खान के साथ, रूस की मध्यस्थता में ताशकंद में एक समझौता हुआ, 10 तारीख को हुआ, 11 तारीख तक क्या शास्त्री जी देश के बाहर इनकी मृत्यु हुई। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि देश के बाहर एक देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु कैसे हो सकती है, वो भी भोजन के बाद। ठीक है, चलिए, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। और क्या क्वेश्चन पूछे गए? भाई लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लेकिन पूछेगा पहले विदेशी कौन थे जिन्हें क्या किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आपने बोलना है भाई कौन? हाँ जी, अरे भाई पहले विदेशी थे तो हमारे देश के, लेकिन आजादी के बाद क्या हो गया था उनका? खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, 1987, खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी बोलते थे, खुद ही खिदमतगार आंदोलन चलाया था इन्होंने, कभी रेड शर्ट मूवमेंट, ये जो पठानों के नेता थे
गांधी जी के सहयोगी थे, गांधी जी के सहयोग के लिए सविनय अवज्ञा के साथ साथ इन्होंने क्या चलाया, खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत करने वाले खुदाई खिदमतगार पठान। तो लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन, क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। और क्योंकि फ्रंटियर थे, फ्रंटियर गांधी क्यों बोलते हैं, बिल्कुल गांधी के पद चिन्हों पर चलते थे, तो जो फ्रंट मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला जो रीजन है वहां के क्या माने जाते, फ्रंट के क्या माने जाते, गांधी माने जाते, इसलिए फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर हो गया भाई कि नहीं हुआ? ठीक, ऐसे ही एक बार क्वेश्चन बना, ऐसे एक बार क्वेश्चन क्या बना, एक अफ्रीका के गांधी भी थे भाई, जरा देखो अफ्रीका के गांधी जी को कब मिला, नेल्सन मंडेला 1990, ये साउथ अफ्रीका के गांधी थे, गांधी जी के पचिन्हों पर चलते थे, है ना। नेल्सन मंडेला कौन, डॉक्टर नेल्सन आर मंडेला, इन्हें 1990 में दूसरे विदेशी, ये क्या है, दूसरे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। फिर एक और बार क्वेश्चन पूछा गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कब मिला भाई, तो इन्हें भी मरणोपरांत मिला, इन्हें 1990 में मिला, मंडेला के साथ मिला, किसके साथ, मंडेला के साथ 1990 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत, ठीक है, 1956 में मृत्यु हो चुकी थी किनकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर, महार जाति के थे। एक बार क्वेश्चन पूछा किस जाति के थे, आंसर महार जाति के थे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा कि इनकी मृत्यु कब हुई, मतलब मृत्यु दिवस कब मनाया जाए, मतलब मृत्यु नहीं बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, इन्होंने लास्ट में 50,000 बौद्धों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण, 50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। जैसे बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, वैसे बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु को भी क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। तो शायद 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका महापरिनिर्वाण दिवस होता है, इनका अंबेडकर जी का जयंती सबको याद रहती है, सबको याद है अंबेडकर जयंती कब होती है, अंबेडकर जयंती कब होती है, पूछो मत बताओ, 14th of April को होती है ना, 14 अप्रैल, ये सभी को याद होता है, लेकिन महापरिनिर्वाण दिवस नहीं याद करते। उन्होंने क्या किया, महापरिनिर्वाण दिवस से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 6 दिसंबर। और 6 दिसंबर एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर 1991 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो हुआ था वो 6 दिसंबर को हुआ था, समझ में आ गया, 1991-92 के आसपास, देखिए 92, ठीक है, 19 चेक कर लीजिए, 6 दिसंबर 1992, ठीक है भाई। फिर बोलते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च अलंकरण यानी भारत रत्न भी मिला है और पाकिस्तान का भी मिला है, तो भारत का जो सर्वोच्च अलंकरण होता है वो कौन सा होता है, भारत रत्न होता है, तो वो मोरारजी देसाई को भी मिला है भाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी रणछोड़ जी देसाई 1991, और निशाने पाक भी मिला, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च पद्म अलंकरण है वो क्या, निशाने पाक है, वो भी मिला, तो निशाने पाक भी मिला और क्या, भारत रत्न भी मिला, तो मोरारजी रणछोड़ जी देसाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए भाई इसमें से, ठीक। तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, ऐसे इस लिस्ट में कितने प्रधानमंत्री हैं, चेक कीजिए भाई साथ में, चेक कीजिए कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो मैं बोल रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी को मिला है, मिला है, और किसको मिला, इंदिरा गांधी जी को मिला है, सॉरी पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है, इंदिरा गांधी जी को मिला है, और बताइए राजीव गांधी जी को मिला है, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री रहे हैं और उनको साथ में क्या भारत रत्न भी मिला है, तो बताइए। तो गुलजारी लाल नंदा जी को मिला है भाई मरणोपरांत, इसको 1997 में, है ना, हाँ जी। तो चौधरी चरण सिंह जी को तो अब करेंगे ना भाई, अब बात चल रही है चरण सिंह जी को, चौधरी जी को,
अब वही बोल रहा हूं मैं कि आप आपने अभी देखना है कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें क्या मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है भाई, 2015 में मिला है इन्हें, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है। इंदिरा गांधी बोल दिया मैंने, हाँ राजीव गांधी जी भी बोल दिया, जवाहरलाल नेहरू जी बोल दिए, मुरारजी देसाई बोल दिया मैंने। तो अब टोटल प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बना दीजिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी है ना, और राजीव गांधी जी, मुरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। गुलजारी लाल नंदा भले ही कार्यवाहक रहे हो पर प्रधानमंत्री तो रहे हैं ना, रहे हैं। अरे भाई उन्हें कहां से ला रहे हो। चलो अब मैं अगला ये पूछ रहा हूं, ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, ढूंढिए। देखिए कलाम जी को तो मिला है, कलाम जी जो पता है आपको, अबुल पकीर जैनुलाब्दी अब्दुल कलाम है ना, 1931 में पैदा हुए और 2015 में इनकी मृत्यु हुई, 1997 का इनको क्या मिला, भारत रत्न मिला। क्या मिला, भारत रत्न मिला। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पूरी लिस्ट में, हाँ तो एक हो गए आपके कौन, ये उपराष्ट्रपति थे पहले, क्या थे फिर, तो देखिए अब देखिए राष्ट्रपति कौन कौन है। आपने बोला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पे आपने कहा प्रणव दा, कहां पर हैं प्रणव मुखर्जी बताइए कहां पर हैं, हैं उनसे पहले क्रम से करिए ना, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भी तो हैं 1997 में, ठीक है। एक हो गए आपके कौन, वीवी गिरी हो गए, वारागिरी वेंकट गिरी, कब 1960, अरे भाई 1975, वारागिरी वेंकट गिरी ये राष्ट्रपति हैं, इन्हें 1975 में मिला। और बताइए और कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब 1963, तो क्रम से बोलिए, जाकिर हुसैन पहले मिला है, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है, धीरे धीरे पढ़ते खुलेंगी ना लिस्ट में भाई, 1962 में किसे मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, हाँ ठीक है, कलाम जी को मैंने बता दिया कब 1997 में 32, और कौन कौन है बताइए, क्रम बताइए मुझे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, पहले वीवी गिरी बोलिए भाई, हाँ वारागिरी वेंकट गिरी, फिर इस प्रकार से तैयार की जाती है लिस्ट। इतना समझ में आ गया भाई, सचिन तेंदुलकर जी को भी मिला 2013 में। ये मत सोचिएगा कि खाली करंट पूछ, देखो 99% चांसेस जो होते हैं वो करंट से पूछेगा। क्या पूछेगा, कर्पूरी ठाकुर जी जननायक क्या थे, आंसर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन पूछ सकता कब से कब तक रहे, आपने बोलना 1970 से 71 है ना, और एक बार 1977 से 1979, दो बार बिहार के क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। साधारण परिवार में जन्म लिया लेकिन क्या, आपने राष्ट्रपति में प्रणव दा नहीं बोले, 2019 में मिला प्रणव दा को, प्रणव मुखर्जी, कौन बोलेगा भाई। क्रम मैंने कहा लिस्ट बनाइए इसकी, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा पद्म अलंकरण में क्या, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है।